किया है उसका मैंने अभी कुछ एनालिसिस किया नहीं ठीक है ठीक है ओके okay, तो so अभी हम लोग क्या करेंगे ना टुडे विल स्टार्ट विद आर सेकंड कॉन्सेप्ट नाउ इफ यू रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट साइज ऑफ द हैंडराइटिंग देन वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट मार्जिन ओके टुडे वी गो टू टॉक अबाउट बेस

And when mm -hmm. somebody's handwriting is stable, straight hai, so that means, you know, it is a stable handwriting. It is a straight baseline. And when your handwriting mm -hmm. goes downhill, that means, you know, your baseline is downward, right? But now mm -hmm. some of the most common questions that you'll have from your clients or if you are training somebody as graphologist, okay, wo hoga ki kya mera handwriting, you know, mera jo handwriting hai, same rahega kya? Because, you know, some mm -hmm. days I'll feel really happy. हो सकता है हर एक के दिमाग में आता है कि मैं हैंडराइटिंग के बेसिस पे इनिशियली समबड़ी हूँ डजेंट अंडरस्टैंड द ग्राफोलॉजी कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा दैट यू नो प्रबली अगर आप बच्चों के आप बच्चों से भी डील करेंगे बहुत सारे तो जब आप बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए आप एनलिसिस लोगे तो पेरेंट्स भी पूछ सकते पेरेंट्स भी लाइन Parents may ask you how how is it possible that looking at a handwriting, you can understand the child's strengths, challenges, and accordingly, you can tell them ke aap kaise, you know, which career is suitable for you. So this is a new concept mm. for them. Although it is an old science, but it's a new concept mm. for a lot of people. They may have these, you know, preconceived notions that it may not work, and you know, thoda kabhi kabhi kisi ko doubt who So at that time, you mm. have to understand. That's why it is very important to you, you know, for you to understand that my handwriting traits. My handwriting sample will have some elements which may change over the period of time. Okay? Mm -hmm. It is based on my emotion. For example, baseline. camera baseline change. Will my baseline change? Yes. Right? Why? Because I may not have the same feelings every time. Uh, my emotions will, will be you know sometimes i'm really happy so my handwriting will go uphill sometimes when i'm feeling really low my handwriting will go downhill right now this is one misconception that people will have so yes there are some elements like baseline today what we are going to learn is baseline which definitely will change over the period of time that's why baseline will tell you the current state of emotion of the client okay evokia feel correct वो hmm. आपको दिखेगा बेस लाइन में मार्जिन में मार्जिन भी वैसे ही है बिकॉज योर थॉट प्रोसेस चेंजेस सो वॉट एव यूर थिंकिंग राइट नाउ ठीक है उसके बेसिस पे आपको वो दिखेगा अच्छा बट देर आर सम ट्रेड्स इन योर हैंडराइटिंग विच विल यू नो विच विल टॉक अबाउट कोर ट्रेड्स ऑफ अ पर्सनैलिटी कुछ एलिमेंट्स होंगे आपके हैंडराइटिंग सैम्पल्स में जो कभी चेंज hmm. नहीं होते फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक बैक एट माई हैंड राइटिंग टेन ईयर्स अगो वेन आई हैड माई यू नो वेन आई लुक एट माई सैम्पल

ये अदरवाइज़ देखो कोर्ट केसेस कैसे को फिर प्रूफ ही नहीं मानेंगे ना टेम्पर्ड हैंडराइटिंग कैसे पता चलता है देर आर सम लेटर्स ठीक है आज मैं देखती हूँ यूज टू राइट लेटर टी ठीक है एंड आई राइट लेटर टी राइट नाउ हैज सिंपल चेंजेस बट देर आर सम कॉमन ट्रेड कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते है. तो वो मुझे mm -hmm. दिखता है कि कुछ लेटर्स है जैसे मैं एक एक पर्टिकुलर वे में लेटर पी लिखती हूँ पर्टिकुलर वे में लेटर क्यू लिखती हूँ तो वो दिखेगा मुझे ठीक है बी सम सम चेंजेस बट देन आर ट्रेड्स विल नेवर चेंज और वो आपके हैंडराइटिंग में दिखेगा ऑल टुगेदर आपका हैंडराइटिंग कभी चेंज नहीं होगा लाइक एज ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो यू कैन चेंज अ पर्सन हिम ग्राफोथेरेपी टिप्स यू कैन टेल हिम कि अच्छा ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए ये आपके लिए अच्छा होगा इससे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन आप पूरी तरह से किसी के हैंडराइटिंग को नहीं इट्स लाइक यू नो चेंजिंग यूर इंटायर लाइफ स्टाइल इन वन डे वो पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड इज दिस सो यू गेट अ क्वेरी हैंड राइटिंग तो मेरा हमेशा चेंज होता रहता है जब मैं गुस्से में हूं तो शायद मेरा प्रेशर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा जब मैं एक लाइट मूड में हूँ तो शायद प्रेशर हल्का होगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप हैंडराइटिंग देखकर किसी का पर्सनैलिटी बता सकते हो दिस इज वॉट यू नीड टू Understand this is what you need to tell them. Okay? That there are some elements which will definitely talk about your current state of emotions. mind But there are some elements which a graphologist is trained to find out certain portraits traits of a person, which never changes. I'll give you one more example. Now, as trainers, as senior trainers, we are supposed to sit in junior trainers' batch, okay, and we are supposed to evaluate them. तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं जहां पे मुझे जाके इवेल्युएट करना पड़ता है ट्रेनर्स को सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई रियली रिलेटेड टू लॉन्च राइट नाउ एंड टू दिस क्वेरी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन इज दैट आई रियली रिमेम्बर वॉज दिस वन ट्रेनर द लॉर्ड बिकॉज यू नो ही गुड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ई वॉज अ वेरी यंग ट्रेनर बट देव है But when he mm. came up stage, he was like fire. you know he would mm. set up the mood of all the trainees and he would be really good he would really connect with trainees, participants or mm. in a very fun way you know he would train people and people don't even realize that you know they've spent around eight to nine hours with that trainer mm. right mm. So I was really happy with you know amazed with this kind of you know extrovert personality and the same trainer, I used to see that, you know, for nearly seven days, I sat for his batch, and the same trainer in the break period, he would sit in a very quiet corner. He won't talk. He won't mingle with anybody, right? And if mm -hmm. even even I'm sitting with him, I found it very difficult to connect with him because you know it was really hard. Whatever I used to ask him, he would say yes or no. He would give me very brief answers. So he was not mm -hmm. somebody who was very vocal, you know. So uh, mm -hmm. after some time, when I became a little comfortable with him, I, I told him that it's amazing to see that you know you you are totally different person when it comes to training, and outside mm -hmm. you are very quiet. Okay, so he said, you know what? Uh, this is my challenge. This is one of my challenge. Now uh, I know that you know my job job is something wherein I have to connect with people. I have to have, get good feedback. I have to make them understand. So I have acquired that knowledge. I have acquired that skill, but somehow you know I'm a very introvert person and mm -hmm. i really don't understand how to strike a conversation with people and that's why i usually mm. avoid it you know avoid speaking so i'm a very quiet mm. very reserved probably i may have you know two to three people whom uh, i share you know and they've been for a long time we've been friends so i'm comfortable with that circle so that's why i avoid parties also training parties and all so now see this this is a good example for our query also See, here is a person who is extremely talented, right, when it comes to his work. Now, this is something mm -hmm. he has acquired because his job demands that kind of skill set. So, he has acquired that talent and he is, you know, utilizing it. But when it comes to his personal life, there are some common traits, like he is an introvert, he will never change. वो काफी साल के बाद भी आप देखोगे उसका नेचर वो होगा हैव यू मेट समवन ऐसा होते हैं ना बहुत लोग जो ऑन स्क्रीन बहुत अलग होते हैं और जब रियल लाइफ में आप देखते हो तो काफी अलग होते हैं mm -hmm. तो ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ये पर्सनैलिटी के बारे में यही बात करता है ग्राफोलॉजी भी यही कहता है कि एज अ पर्सन आप बहुत सारी चीजें क्योंकि आपको लोगों से कनेक्ट करना क्योंकि आपका जॉब डिमांड करता है यू विल लर्न इट यू विल प्रॉब्लि अक्वायर दैट स्किल सेट और दैट नॉलेज ओके एंड यू प्रोबली फेक योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो बट ये जो ट्रेड है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ विच इज नॉट अ बैड ट्रेड है विच इज नॉट अ नेगेटिव ट्रेड बिकॉज दीज आर पर्सनलिटी सम पीपल मे बी एक्सट्रोवर्ट सम सम पीपल पीपल मे मे बी बी इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट वो उनका नेचर है mm -hmm. इसीलिए जब आप ग्राफोलॉजी एनालिसिस करते हो आप हर चीज को स्ट्रेंथ या चैलेंज में नहीं डाल सकते सो देर उल बी थ्री एरियाज इन ग्राफोलॉजी आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एनालिसिस का एनालिसिस स्ट्रक्चर वि है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली गुड एट

अभी क्लियर क्वेश्चन कि क्या ग्राफोलॉजी में पर्सनैलिटी uh, एनालिसिस आता है ये yes, काफी हद तक आता है बिकॉज यू नो सिग्नेचर आपको बताएगा कि हाउ इज योर पब्लिक इमेज ओके मैं लोगों के सामने कैसा हूं दुनिया के सामने कैसा हूं पैराग्राफ एनालिसिस यानी पूरा जब आप टेक्स्ट एनालिसिस करते हो तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू स्ट्रेंथ चैलेंजेस एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड सम ऑफ द कोर ट्रेड्स दैट नेवर चेंजेस ओके इट विल ऑल्सो गिव यू सर्टन डिटेल्स ऑफ उ इज हिस माइंड सेट राइट नाउ ओके करंट इमोशनल स्टेट क्या है तो बेस लाइन क्या बताएगा द करंट स्टेट ऑफ इमोशंस ओकेट नाउ सो इफ आई एम फीलिंग रियली गुड ओके आई हैंड राइटिंग विल गो अपम फीलिंग ओके ठीक है ठीक है हर दिन ऐसा नहीं है ना कि हर दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो हर दिन आप बहुत ज्यादा पेपटअप हो सम डेज वुड बीट नॉर्मल डे है ना जहां कुछ भी नहीं है कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ है यू आर जस्ट ओके सो वहां स्ट्रेट बेस लाइन होगा ठीक है एंड इफ आई हैव अ यू उनवर्ड बेस लाइन नाउ मेनी पीपल फील दैट डाउनवर्ड बेस लाइन है तो आदमी डिप्रेस्ड है नहीं डिप्रेशन इज अज वर्ड ठीक है नाउ आई मे फील डाउन एंड डिप्रेस बट डू यू रियली नो दैट यू डिप्रेस्ड नहीं डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है आप डिप्रेशन को सिर्फ डाउनहिल हिल हैंडराइटिंग जा रहा है तो वो mm -hmm. really डिप्रेशन तो में है ऐसा नहीं आई मे बी इन स्ट्रेस द पर्सन इज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस ठीक है अच्छा डिप्रेशन सुसाइडल है ये कैसा पता चलेगा वो आपको बहुत सारे लेटर्स है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जो आपको देखने पड़ेंगे अदर पैरामीटर्स तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन नॉट गिव अ अर्सनैलिटी ट्रेड और यू नो एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वन एलिमेंट ठीक है माइनस वन एलिमेंट आउट ऑफ एलिमेंट्स तो बाकी पैरामीटर्स को देखकर लुक एट ऑल अदर पैरामीटर्स

आपको हैंडराइटिंग सैम्पल्स दूंगी तो कुछ हैंडराइटिंग सैम्पल्स हम लोग एंड विल सोल्व इट एंड टूड बाई द एंड ऑफ द सेशन आई यू मोर एनालिसिस पेपर सो वट एवर वी डिस्कस्ड अल योर वो और आज का जो है पैरामीटर लेके आप एनालिसिस करके दोगे ओके okay? uh, जो आपने बताया ना कि एक इंसान जो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्टिव है उसको ब, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करता है बट पर्सनल लाइफ में वो बहुत इंट्रोवर्टेड है Correct. तो उसके हैंडराइटिंग में ये तो समझ आता है ना हमें कि ये बंदा काम में कैसा है और पर्सनल लाइफ में कैसा है ये समझ आता है हमें पूरे हैंडराइटिंग में एक्टली exactly. इसीलिए तो, तो हम तो करते ना कुछ एलिमेंट में आपको पता चलेगा कि ये बाहर कैसे दिखाता है लेकिन ये असल में कैसा है ठीक मतलब okay. है मतलब है ना देखो ऐसा है उसमें मैं बहुत सारे analysis लेती थी तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हैंड राइटिंग में देखेंगे जो हम नहीं है जैसे अभी आप आपको एक एग्जांपल देती हूँ इन द वर्चुअल सो कम्फर्टेबल इज इन डेड एफ बी पे आप लोगों का पेज ओपन करोगे देर सो मेनी पोस्ट ठीक है लेकिन अगर उसी व्यक्ति से कोई मिलने जाता है तो वो टोटली अलग दिखता है होता है ऐसे होता है, होता है आप किसी को जब आप पोस्ट मिलते हुए देखते हो तो बिकॉज यू नो इन दर्चुअल वर्ल्ड जो हम रियल लाइफ में नहीं है वो हम कोशिश करते प्रिटेंड करने की हम दिखाते नहीं इसीलिए फेसबुक फेसबुक है ठीक है नहीं, नहीं. तो क्यों क्योंकि लोग वहां पे वो सारी चीज डालते हैं शायद हो सकता है सभी लोग नहीं होंगे लेकिन कुछ ऐसी चीजों को हम डालते जो हम नहीं है भी कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज दिखेंगे आपको जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि ये आदमी दिखाता है लेकिन अंदर से वो कैसा है उसका पूरा जो क्लियर आइडिया है ना वो आपको रफोलॉजी में पता चलेगा क्लियर है यहाँ पे की कुछ लेटर्स है वो चेंज नहीं होते काफी टाइम तक वो वही रहता है बट अगर हम चाहे उसे चेंज करना पर्सनली अगर तो चेंज कर सकते हैं अभी जैसे इस तरह का जो डी है ये सही नहीं है ठीक है मतलब तो कैसा ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा अभी सबके लिए वो नहीं होगा ठीक है हाँ, इसलिए हाँ। मैं बोल रही हूँ ना कि एक ही गोली डॉक्टर की गोली हमेशा अलग होती है ना हर डॉक्टर की गोली अलग होती है है ना तो एक yes. ही गोली तो मैं नहीं दे सकते हैं आप कोई आया बोलता है डॉक्टर साहब मेरे यू नो पेट में दर्द है एक काम करो तुम ये गोली लो इसमें सिर दर्द भी चला जाएगा पेट दर्द भी चला जाएगा जो कुछ भी दर्द है वो सब चला जाएगा ऐसी कोई गोली है नहीं आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे नेक्स्ट टाइम आप नहीं जाएंगे आप बोलेंगे ये पता <laughs> नहीं किस तरह का फर्जी डॉक्टर है तो वहां वहाँ पड़ेगा बिकॉज यू नो नॉर्मली क्या होता है हम यूट्यूब वीडियोज देखकर या हम गूगल करके कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे बोलेंगे हाँ ये दस चीज है दीज आर टेस्ट लेकिन वो जनरलाइज नहीं कर सकते हर गोली एक के लिए नहीं है ठीक है सो यू हैव टू कस्टमाइज कस्टम सोल्यूशन आप जितना एनालिसिस करोगे उतना आपको और आइडिया मिलेगा कि हाँ इसमें ये चेंज कर सकते हैं तो जैसे आप डिटेल करोगे तो आपको ये स्टडी करने में एटलीस्ट देखिए कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कोई उसको दो महीने में भी पिकअप करता है किसी को सिक्स मंथ्स लगता है किसी को वन ईयर लगता है ठीक है तो ये पर्सन टू पर्सन रहेगा लेकिन हाँ ये मैं बोल सकती हूँ कि आप अगर थोरो डेली प्रैक्टिस करते हो डेली एक एनालिसिस पेपर लेके बैठिए, अब मैं आपको तो बहुत सारा सैंपल शेयर करूंगी आर रियल लाइफ सैंपल्स है जो हमने हमारे सेंटर में कलेक्ट किए हुए हैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग में डेली करती हूँ तो उसके बेस